वैसे मैं आपको बता दूँ, मैंने कस्टमर से बोल दिया है अगर ऐसे फ्री हो जाती है, मतलब सर्विस करने से ही फ्री हो जाती है, तब 100 रुपये लगेंगे, और अगर मोटर का बुश या मोटर का क्लेम चेंज करना होता है तब इसके अंदर 350 से 400 रुपये लगेंगे। तो आप नॉर्मल इतना ही चार्ज आप भी ले सकते हैं, इसलिए बता रहा हूँ। बहुत सारे हमारे सब्सक्राइबर को नहीं पता होता है कि इस प्रॉब्लम का हम कस्टमर से कितने रुपये लेते, तो इसलिए मैं क्या लेता हूँ वो मैंने बता दिया, आप अपने हिसाब से कुछ कम ज़्यादा ले सकते हैं। हेलो दोस्तों, वेलकम टू फिरोज इलेक्ट्रिकल। आज इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा महाराजा वाइट लाइन टर्बो प्राइम 750 वाट का मिक्सर ग्राइंडर है ये, और इसमें कमी क्या हुई है, ये जाम हो गया है दोस्तों। इतनी बुरी तरीके से जाम है कि इसकी जो कपलिंग है ये घूम ही नहीं रही। अगर मैं ज़्यादा ताकत से घुमाता हूँ तो ये होता है कि इसकी जो कपलिंग है ये खुल जाती है, ये देखिए कपलिंग खुल गई, मगर ये मोटर फ्री नहीं हो रही है। इतनी बुरी तरीके से इसकी मोटर जाम हो चुकी है, तो मैं क्या काम करूंगा, कैसे इस मिक्सर को फ्री करूंगा। ऐसी प्रॉब्लम आपकी भी दुकान पर आ सकती है दोस्तों, तो रिक्वेस्ट है ये वीडियो पूरी देखें, एक जाम मिक्सर ग्राइंडर को कैसे फ्री करेंगे स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। अभी मुझे भी नहीं पता है, शायद ये बिना खोले ही फ्री हो जाए, इसका ढक्कन भी ना खोलना पड़े फ्री हो जाए, या इसका बुश हमें चेंज करना पड़ेगा, या मोटर का क्लैंप चेंज करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा इस वीडियो में आपको मैं ये बताऊँगा। तो आइए स्टार्ट करता हूँ कौन कौन से तरीके। सबसे पहला तरीका क्या है, इसकी कपलिंग को हम यहीं से शाफ्ट को फ्री करेंगे, अगर फ्री हो जाता है तो सही है, अगर नहीं होता है तो हम इसकी तली को खोलेंगे, उसके बाद में या फिर इसका बुश चेंज करेंगे हम, या तो फिर जो मोटर का क्लैंप होता है ऊपर का वो क्लैंप चेंज करेंगे। तो सबसे पहला तरीका आपको मैं दिखाता हूँ किस तरीके से इस मिक्सर को हम फ्री करेंगे। तो नॉर्मल सी बात है, पहले आप इसकी कपलिंग को खोल लो। देखिए हमने इसकी कपलिंग को खोल लिया है, कपलिंग को खोलने के बाद में इसके अंदर थोड़ी सी ऑयलिंग कर दो आप। सबसे पहले हम क्या काम करेंगे, इसके अंदर ऑयलिंग कर लेंगे, तो मैं ऑयल डाल देता हूँ इसके अंदर। देखिए 2 से 4-5 मिनट वेट करो आप, उसके बाद कैसे खोलना है बहुत ही आसान तरीका आपको बताऊँगा। ये वाली जो कपलिंग है आपकी, ये इतनी ज़्यादा हैवी नहीं होती है, आपको पता होगा ये एक नॉर्मल कपलिंग है, अच्छी क्वालिटी है लेकिन नॉर्मल कपलिंग है। अब हम इसके अंदर लगाएंगे एक कमर्शियल कपलिंग, उसके बाद इसे कैसे फ्री करना है आपको बताता हूं मैं। देखिए दोस्तों, ये है एक कमर्शियल कपलिंग, हैवी नट में आती है, मतलब इसका नट फ्री हो सकता है लेकिन इसका नट फ्री नहीं होगा। आप देखो कितना बड़ा नट है इसके अंदर। तो इस कपलिंग को पहले हम इस पर टाइट करेंगे, इसमें लगा नहीं रहा हूँ मैं, यही कपलिंग लगाऊंगा। फ्री करने का तरीका आपको बता रहा हूँ, जुगाड़ क्या क्या है, कैसे इस मोटर को हम क्या स्टार्ट करेंगे कि कैसे फ्री करना है। देखिए कपलिंग को टाइट कर दिया हमने, तो देखिए अब इसे फ्री करने का तरीका इस तरीके से आप घुमाते जाओ। इसमें दो तरीके हैं, अगर बुश जो है वो कवर से घूम गया तब तो समझ लो आपको बुश ही बदलना पड़ेगा, और ऐसे ही अगर घूम रहा है तो ये धीरे धीरे फ्री हो जाएगा। देखिए एक चीज़ और बहुत ध्यान से समझना यहाँ पर, अगर जैसे ये मैंने फ्री करा है, अब ये घूम रही है कपलिंग, मतलब साफ्ट घूम रही है इसकी, लेकिन अगर इतना हार्ड घूमता ही रहे, मतलब फ्री ना हो, आप सोचो ये फ्री हो जाए, अभी फ्री नहीं हुआ है, मतलब जितना टाइट घूम रहा है काफ़ी ज़्यादा टाइट है, ऐसा ही घूमता रहे फ्री नहीं हो रहा है, उस टाइम पर आप 100% समझ जाना कि जो ये मिक्सर ग्राइंडर है इसका जो बुश है वो कवर से हट गया, मतलब कवर से फ्री हो गया है। अब ये भैया बुश तो साफ्ट में चिपका हुआ है आर्मेचर में, मोटर के कवर को बुश ने छोड़ दिया है, उस टाइम पर आपको मोटर का कवर ही चेंज करना पड़ेगा या बुश चेंज करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं फ्री करके देख लेता हूँ, हो जाता है तो ठीक है, वरना आप लोगों को बताऊँगा भाई फिर लास्ट में क्या करना है। मैं इसमें वीडियो थोड़ी लंबी हो जाए शायद अगर ऐसे फ्री ना हो तो, अगर ऐसे ही हो जाता है तो बहुत जल्दी मैं आपको दिखा दूँगा। देखिए काफ़ी कर दिया है मैंने, अभी खोल के देखता हूँ मैं, क्लास से देखता हूँ मैं। ये देखिए इस तरीके से हुआ है, घूम रही है वैसे अब ये, तो हम इसे यहाँ पर साफ़ करेंगे। यहाँ पर जब आप साफ़ करोगे तो आपको दिख जाएगा कि जो बुश है बुश भी साथ में घूम रहा है, या फिर केवल हमारी साफ साफ घूम रही, सही हो चुकी है हमारी मिक्सर ग्राइंडर। वैसे किसी किसी मॉडल में दिखता है दोस्तों, इसमें नहीं दिख रहा है। तो हम क्या काम करेंगे, सबसे पहले अब इसका प्लग लगाएंगे और इसे चला के देखेंगे ये चल रही है या नहीं चल रही है, क्या हुआ है। शायद चलते ही टाइम जब झटका लगेगा, ऑयल डाल दिया, फ्री हो जाए, क्योंकि अब ये घूमने लगी है, पहले घूम ही नहीं रही थी। और अगर चलते टाइम भी हूँ आवाज़ करती है और बहुत स्लो चलती है, मतलब बहुत स्लो चलती है, बुश भी साथ में घूम रहा है, तो ज़्यादा ना चलाओ वरना मोटर फूक जाएगी, फिर आपको खोलना है और मोटर का क्लैंप चेंज कर देना है। तो आइए हम चला के देखते हैं फ्री हुई है या नहीं हुई है। दोस्तों हमने इस मिक्सर ग्राइंडर का प्लग लगा दिया है सीरीज़ पर, इसे ऑन करते हैं, बल्ब जल रहा है सीरीज़ का लेकिन मोटर नहीं चल रही है, तो ये डायरेक्ट करके देखते हैं इसे। देखिए हमने डायरेक्ट कर दिया, अब चलाता हूँ मैं, और आप देख सकते हो जो हमारी मेहनत है वो कामयाब हो गई,
और आप देख सकते हो हमारी मेहनत कामयाब हो गई, कस्टमर का भी कम पैसे में काम हो गया और हमारा भी कम मेहनत करके ज़्यादा काम हो गया। यह मिक्सर सही हो चुकी है, मतलब बस क्लास सही हो गई है मिक्सर के अंदर। आप आवाज़ सुन सकते हो इसकी, अब हमारी मिक्सर ग्राइंडर फ्री हो चुकी है एकदम सही तरीके से। दोस्तों इसीलिए मैं कहता हूँ, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है ना, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपको हमारे चैनल पर इसी तरीके की इंपॉर्टेंट और नॉलेजेबल वीडियो मिलती रहेंगी। तो ये हमारी मिक्सर ग्राइंडर रिपेयर हो चुकी है एकदम फर्स्ट क्लास तरीके से। अब हम क्या काम करेंगे, जो नॉर्मल इसकी पहले वाली कपलिंग थी उसको लगा दूंगा मैं। और ये देखिए हमारी एकदम फर्स्ट क्लास मिक्सर सही हो चुकी है। इस तरीके से आप एक जाम मिक्सर ग्राइंडर को बहुत ही आसानी से फ्री कर सकते हैं। तरीका तो मैंने आपको दिखा ही दिया है। आप बताएं दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी। अगर वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला हो, उम्मीद है कुछ ना कुछ तो ज़रूर सीखने को मिला होगा आपको इस वीडियो से। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, हमारे चैनल फिरोज़ इलेक्ट्रिकल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ में।